क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये वाला जो कॉलिंग स्क्रीन है वो काफ़ी बोरिंग सा हो गया है? इसे कुछ नया चेंज करना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए अपने फ़ोन के अंदर जो आपके फ़ोन के अंदर जो कॉलर स्क्रीन है वो चेंज हो जाए और लुक लाइक एकदम डिटो आईफोन वाला हो जाए। आज के बाद जब भी आपके फ़ोन के अंदर कॉल आएगी तो अब कुछ ऐसा कॉलिंग स्क्रीन होगा और आप सभी यहां पे चाहे तो कॉन्टैक्ट का फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर आप अपना खुद का भी फ़ोटो लगा सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑन करना मत भूलिएगा। जो आपने अभी कॉलिंग स्क्रीन देखा उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और आपको जो भी स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उन सभी को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप अपने फ़ोन के अंदर ये फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो, किसी भी फ़ोन के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाया उसे आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, नीचे उस ऐप का डाउनलोड लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अब आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो एप्लीकेशन है, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इन सभी को अलाउ कर देना होगा। यहाँ पे आप सभी को थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद अगर आप सभी कॉलिंग स्क्रीन आईफोन वाला चाहते हो या कोई और डिवाइस का चाहते हो तो यहाँ पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स के अंदर आ जाओ। आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि ऐसा अभी आपके फ़ोन के अंदर सेट है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आंसर स्टाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी अगर गूगल का चाहते हैं तो ऐसा आएगा, अगर आप सभी यहाँ पे आईफोन का चाहते हैं तो ऐसा आएगा, यहाँ पे हुआवे का चाहते हैं तो ऐसा आएगा, अगर आप यहाँ पे एसुस का चाहते हैं तो ये आएगा। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन के अंदर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईफोन पे लगा दिया है और अब यहाँ पे आप सभी जो फ़ोटो क्रॉप करके आ रहा है आप उसे फुल स्क्रीन में भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यही वाला काफ़ी अच्छा लगा तो मैं यही सेट करके रखता हूँ। अब बात आती है कि इसके अंदर आप सभी फ़ोटोज़ कैसे लगा सकते हो। फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पे आपको बैक आना है, अपीयरेंस के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ़ोटो एंड अवतार, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी कॉन्टैक्ट विथ नो फ़ोटोज़, जिनका भी कॉन्टैक्ट होगा और उनके फ़ोटोज़ नहीं लगे होंगे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी को पिक फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप सभी अपना फेवरेट फ़ोटोज सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सभी ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप सभी को कोई भी कॉल करेगा, जो भी आपके इनकमिंग कॉल्स आएंगे उन कॉल्स के अंदर आपने जो फ़ोटो लगाया है वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू होगा। ये देखिए यहाँ पे हाफ स्क्रीन पे आया, इस पर मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिस्कनेक्ट होगा, ऑफ स्क्रीन कर देता हूँ, फ़ोन को मैंने चुपचाप छोड़ दिया है। अब अगर कोई वापस से कॉल करेगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको कैसा स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉल आ चुकी है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलिंग स्क्रीन है वो काफ़ी ऑसम लग रही है, पूरा डिट्टो आपका आईफोन का ही लग रहा है और यहाँ पे आप इन कॉल्स को इस तरीके से पिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको स्क्रीन दिखाई देगा। तो देख सकते हैं गाइज कि किस तरीके से हमने
चुटकियों में अपने फ़ोन के अंदर आईफोन वाला कॉलिंग स्क्रीन लगा दिया। दोस्तों ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन सा फ़ोन अभी अवेलेबल है, बस नीचे दिए गए लिंक को आप यूज करके आप भी अपने फ़ोन के अंदर इसी तरीके से सेटिंग करके ये वाला कॉलिंग स्क्रीन ला सकते हैं। अगर आप इधर से कॉल करोगे तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको कॉलिंग स्क्रीन दिखेगा। तो दोस्तों कितना ऑसम लग रहा है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर बेकार भी लग रहा होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप किसी भी फ़ोन के अंदर ये वाला ऐप को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन के अंदर भी कुछ ऐसा ऑसम स्क्रीन लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑन करना मत भूलिएगा।